भाई साहब यहाँ से तो मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं वीडियो ना बनाऊं। बस मेरा मन है वीडियो बनाता ही चलूं। ओए होए 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 होए, ओ भाई कहाँ आ गए, देख लो नज़ारे। अब यहाँ से थोड़ा सा सिंपल सा रोड आएगा, फिर दोबारा इसी तरह का आ जाएगा। ये इस रोड के नज़ारे हैं भाई, ये ब्यूटी है इस रोड की। यहाँ से आप उतरोगे ना तो भाई वो तो ठीक है, ब्यूटी तो ठीक है, रास्ता बंद है आगे, स्लाइड हो रखा है ये देखो। ओहो ठीक है, शुक्र है, पहले सीधा था ये रास्ता शायद, अब ये नीचे को मोड़ दिया इन्होंने। हाँ हाँ, नीचे जाके भी उस साइड मुड़ेगा ही? ना नहीं, नीचे जाके तो मुड़ेगा ही, वो कोई डाउट नहीं है, पर अब ये रास्ता था पहले, यहाँ से स्लाइड वगैरह ज्यादा होते हैं इसलिए ये बंद कर दिया हुआ है। इतनी साथ आ गया भाई, देखा ही नहीं भाई, इतनी पास आ गया, लगी तो नहीं बट ठीक है, नहीं लगी नहीं लगी, आपने बोल दिया ये तो। थोड़ा पीछे रह करो मोड़ पे भाई, बिल्कुल चिपका दी थी भाई। हाँ बिल्कुल पीछे था, उसे लगा मुड़ जाएगी एक बार में। हाँ ओए यार भाई, ये मतलब देखने वाली चीज है यार, क्या सही संगम हो रहा है, कोई ये नहीं पता संगम है कौन सा, बट ये संगम है भाई। आप लोग अगर आओगे जाओगे तो मुझे भी यहाँ से बताना संगम का। इस तरह से भाई काफी आपको यहाँ पे टफ जोन मिल सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ना 4x2 को मना करता हूँ कि 4x2 ना आए, क्योंकि यहाँ बेचारा 4x2 अगर भी फंसा तो उसे तो निकालने वाला भी कोई नहीं होगा, और अकेला तो कभी भी कोई ना आए, ना कोई बाइकर अकेला आए और ना ही कोई गाड़ी वाला अकेला आए, चाहे 4x4 भी हो तो भी, क्योंकि ये रोड ऐसा ही अनसर्टन है, यहाँ पे अकेले आने का कोई फायदा नहीं है भाई। इसी तरह से ना छोटे छोटे रोड हैं सारे, और बिल्कुल देखो नदी ना पास आती चली आ रही है, अब अपने ना बिल्कुल नदी पास ही आ गई है, ऑलमोस्ट नीचे उतर के पानी भर के ला सकते हैं, इतनी पास आ गई है। और ये देखो ग्लेशियर काटा हुआ है, ये ग्लेशियर है दोनों तरफ अपने, और ये रोड है आगे, बस अब इसी तरह का चलने वाला है ये थोड़ी देर क्या, अब ले तक ऐसे ही रहेगा ये। इसके जो ब्लॉग है मुझे 2 या 3 चैप्टर में आपको दिखाने पड़ेंगे, जिससे कि मैं पूरा रोड कवर कर सकूं, क्योंकि खाना पूर्ति वाला काम नहीं करना ना, पता लगे एक चीज रह गई अपडेट देने के लिए फिर आप फंस जाओगे यहाँ पे कहीं पे। सो भाई 4x2 नॉट रिकमेंडेड, हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली 4x2 भी ना आए यार, लोकल्स के कंपेयर मतलब लोकल से कंपैरिजन मत करना, कई लोग ना लोकल से कंपैरिजन करने लग जाते हैं, वो भी चलाता है भाई, उनके बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं, बहुत चीजें हैं, अपनी रिकवरी कर लेते हैं वो, हम रिकवर नहीं हो पाएंगे यहाँ से। ये देखो रोड के हालत देख के देखो आप क्या लगता है आपको, मैं आपको अब जूम में दिखाता हूँ, ये टू कर दिया मैंने जूम को भाई, यार क्या लग रहा है यार रोड है ना, अदरवाइज सुंदर तो बहुत ही ज्यादा लग रहा है। नदी देखो कितनी शांत चल रही है साइड में, बहुत प्यार से आराम आराम से नदी चल रही है, रोड उबड़ खाबड़ है पूरा। ओ भाई साहब अब टफ होता जा रहा है काम, टफ जोन आ गया भाई, ये पूरा टफ जोन है, ये देख लो इसको तो जान लग रही है, स्टीयरिंग भी पकड़ना पड़ रहा है जान लगा के, सारे काम एक साथ करने पड़ रहे हैं, वीडियो भी बनानी पड़ रही है। सही हो गया, अब उतराई में फिर वैसा ही हो जाएगा। ये देखो पहले ये था शायद, ठीक है, वो लैंडस्लाइड की वजह से इन्होंने नया रोड, ये वही रोड है शायद जो अभी आप बता रहे थे, वो जो स्लाइड हो रखी थी। बिल्कुल भाई, गाड़ी में बोर्ड का डाले का फायदा देख रहे हो, शीशा कैसे क्लियर हुआ एकदम से, ये क्लैरिटी है बोर्ड का की, आई खुशबू बोर्ड का की आई होगी। हाँ आ गई, ये देखो भाई 0.5 mm पे आप रोड देखो कैसा लग रहा है, 0.5 1 2 सब दिखा दूंगा, बस सब्सक्राइब कर लेना नंगलवासी को तभी मजा आएगा। अरे भाई साहब यार, मतलब हर मोड पे अलग ही एडवेंचर है यहाँ, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ, मतलब मन कर ही नहीं रहा कैमरा बंद कर दूं। हाँ हाँ भाई, ये देखो क्लिफ एंगर से निकल रहे हैं हम इस टाइम पे, पूरा ऊपर पहाड़ है और रोड है, ये देखो ऐसे निकलते हैं यहाँ, देखो छाया बनी हुई है, पूरी पहाड़ काट के छाया बना रखी है, क्लिफ एंगर है एक तरह का, यहाँ सब कुछ मिलेगा भाई, इस रोड पे सब कुछ मिलेगा, आप लोगों को बस धैर्य रखना है। और 4x2 में भाई मैं तो नहीं हाँ करूँगा कि आओ, जिसे पंगे लेने हैं वो आ जाना, जय माता दी भाई, मैं तो किसी को हाँ नहीं करूँगा कि 4x2 वाला यहाँ पे आए भाई, देख तो लो क्या हाल है यहाँ पे, क्यों भाई? सही बात है भाई। और भाई ग्रुप में आओ यहाँ, एक या दो गाड़ियां तो पक्का है, एक गाड़ी तो कभी ना हो, एक गाड़ी में तो दिक्कत हो सकती है। ये देखो एज टू एज है भाई सब कुछ यहाँ पे,
एक गाड़ी अगर आगे से आ गई तो आपको पीछे जाना पड़ेगा या उसको पीछे जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे है सिस्टम, चेक करो। ओ भाई कहाँ ही आ गए हम, कहाँ ही आ गए यार, जन्नत है ये तो। मतलब जो ट्रू ट्रैवलर है ना, बेसिकली जिसको फन करना है, ट्रैवल करना है, उसके लिए है ये जगह। और टूरिस्ट के लिए ये जगह नहीं है। जो बेसिकली सब फाइव स्टार चाहते हैं ना, वो फाइव स्टार वालों के लिए नहीं है ये जगह। सारे रंग देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे हमें तो। बर्फ भी मिल गई और बर्फीला रोड है ये पूरा। सड़क पे बर्फ जमी हुई है, मिट्टी पे भी बर्फ जमी हुई है। तो मुझे लगता है यहाँ पे तो बर्फ ऐसे ही रहने वाली है, क्योंकि सन एक्सपोजर नहीं है ना यहाँ पे, धूप तो आती नहीं। जहाँ धूप नहीं आएगी वहां बर्फ पिघलेगी नहीं, ऐसे की ऐसी रहेगी। भाई ये देखो, बड़ी देर बाद एक खुला व्यू आया है जहाँ पे वैलियां हैं और वैली में सिर्फ हम हैं। वैली और हम, हमारी हाइलक्स में मैं और अमन भाई अपने साथ, और पीछे एक हाइलक्स और है अपने साथ, उसमें अमन भाई के भाई हैं और साथ में भाई लोग मजे कर रहे हैं। पूरे तीनों बंदे हम फुल फन में चले हुए हैं। ये देख लो, रोड 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 अपडेट आप सबके लिए। रोड अपडेट बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। चढ़ाई आ रही है, उतराई आ रही है, बस यही कुछ आए जा रहा है भाई यहाँ पे तो। ये देखो, हर मोड़ पे कहानी अलग है, हर मोड़ पे कहानी अलग है, बिल्कुल ही अलग कहानी हर मोड़ पे है। ओ भाई देख रहे हो ये क्या है? ओहो भाई साहब, क्या ही है यार ये, देखो तो सही, क्या मजा है। ओहो हो।